लाइन हमारी मैं साउंड के फ्रेंड वेलकम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल मोमेंट स्माइल पिजेंस में। फ्रेंड कैसा लग रहा हूँ आज मैं? आज आपको मैं दिखाऊंगा कबूतरों की जो नीचे फैंसी कबूतरों की भीड़ दिखाऊंगा और वो उनको ये चल के दिखाता हूँ आपको। ये पूरा दिन इस पार्क में बैठे हुए रहते हैं और यहाँ पर और साइड में यहाँ बकरी के साथ यहाँ अच्छा अच्छा दाना उठाते रहते हैं। तो ये हमारे फैंसी कबूतर जिसमें एक हमारा टेडी कबूतर जिसके अंडे हमने दिए थे फैंसी कबूतरों को, तो वो टेडी कबूतर फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है। तो पूरा दिन यहाँ पर टहलते रहते हैं और घर में इस तरह से घूमते रहते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आज, वीडियो लंबी नहीं बनाऊँगा, बस छोटी सी बनाऊँगा यहाँ पर आपको। माशाल्लाह से कबूतर बच्चे भी निकल चुके हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्यों अंदर लो तो काफ़ी है टोटा लगा है यहाँ पर। आप देखो माशाल्लाह से देखो। और ये दूसरे कबूतर में ब्रीड में दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर एक कबूतर का बच्चा है। चला डिया यहाँ पर देखो माशाल्लाह से देखो, एक कबूतर बच्चा यहाँ पर निकला हुआ है। इसके जो कबूतरी फीमेल थी वो पता नहीं भाग गई या कोई बिल्ली वगैरह मार के लेके चली गई। बाकी इसका भी बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा सामने। ये तीन ब्रीड है, बाकी अभी कबूतर नांडी वगैरह नहीं रखी है, ये कबूतर के बच्चे हैं। बाकी चलते हैं बाहर, कबूतर ना पूरा दिन यहाँ पर टहलते रहते हैं और यहाँ पर पानी में नहाते हैं। यहाँ पर हमारे चाइनीज मुर्गियों का लोफ्ट है और दो मुर्गियों के लोफ्ट थे वो ऑलरेडी हमने दे दी क्योंकि उसमें थोड़ा सा वायरस वगैरह आ गया था, इसलिए हमने वो मुर्गियाँ दे दी। और यहाँ पर हमारे कबूतर है क्योंकि ये ऑलरेडी बीमार वगैरह नहीं होते क्योंकि नीचे से अच्छा अच्छा या दाना वगैरह मिट्टी वगैरह उठाते रहते हैं, तो ये कभी भी बीमार वगैरह नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव है। सोखड़े के ये कबूतर, एक ये इसका मेल अंडों में बैठा हुआ था वो सोखड़े में था, वहाँ नीचे आने के बाद उसका सोखड़ा भी ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं एंड कर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस करना और अपना सारा ख्याल रखिए। दो मिनट तक अल्लाह हाफिज़।